नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने की इजाजत मांगी है। इस मामले में 14 जुलाई को जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपना पहला फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर पर एएसआई सर्वे कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष में यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 में से इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। इसी अदालत पर आज फैसला सुनाया गया। यहाँ पर फैसला तो देखिए सामने आ ही रहा है निकाल करके, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर के आप लोग के मन में क्या कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।